अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के लेटेस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा जो लोग सऊदी अरब के अंदर अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन ले रहे हैं। अगर आप भी वैक्सीन ले चुके हो और अपना सफ़र करना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर थामेल अल हासन की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि अब इन लोगों को भी तीसरी वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए सलाह भी दिया गया है। आगे यहाँ पर हम आपको बताएंगे अभी किनको वैक्सीन लेना ज़रूरी है तीसरी। इसके साथ और भी कुछ नई अपडेट है, वो सारी अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, सऊदी के कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर जो अभी अपडेट दिया गया है उसके अनुसार ये कहा गया है कि एंटी वायरस वैक्सीन की दो खुराक जिन लोगों को मिल चुकी है उनको तीसरी वैक्सीन भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें भी हैं, मतलब यहाँ पर जो अभी इन्फ्लुएंजा इसके साथ और भी जो संक्रमण बीमारी हैं उनको इससे नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरी वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। भविष्य में कोरोना वायरस मौसमी हो सकती है, लेकिन सभी मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्राप्त करने के बाद में एंटी कोरोना वायरस की खुराक भी तीसरी दी जाएगी। इसके लिए अभी सलाह दिया गया है, मतलब कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी और मौसमी जो अभी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है उसको भी साथ साथ दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किन लोगों को वैक्सीन तीसरी दी जाएगी। सऊदी अरब के अंदर जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं दो, और इसके साथ जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं चाहे वो सऊदी हो या अजनबी हो, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि किन लोगों को वैक्सीन तीसरी दी जाएगी। तो जो लोग कोरोना वायरस से उबर चुके हैं उनको ही वैक्सीन ये दी जाएगी। इसके लिए अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी सलाह दिया गया है और शोधों के तहत ये आधारित किया गया है।